अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वॉर्म वेलकम है YD योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम करने वाले हैं। नोवल इंटेंशंस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है अफगानिस्तान पे। अगेन UN का, इंडिया का क्या रोल रहने वाला है, इस चीज़ को जो है डिटेल में बताएगा। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। अब मैं आपको एक टारगेट देता हूँ। टारगेट ये है कि अगले आधे पौने घंटे में इस आर्टिकल को पढ़ते हुए, ट्रांसलेट करते हुए, मैं इसकी स्ट्रक्चर्स, इसकी वोकैबुलरी, इसकी ग्रामर को आपको अलग से ध्यान दिलवाऊंगा। सारी स्ट्रक्चर वोकैबुलरी जो आप सीखो, आप अप्लाई करो इस क्विज़ पे। ये आपका क्विज़ है। एक स्पेलिंग का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट के मिलेंगे, लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको RC बेस्ड, है ना। तो आपको पहले सीखना है और फिर इस क्विज़ में 5 में से 5 मार्क्स लेने हैं। शुरू कर लेते हैं। सॉल्यूशंस मैं लास्ट में दूंगा क्विज़ के। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। क्विज का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पहले भी इसको एक ट्राई दे सकते हो। शुरू करें। कह रहे नोबल इंटेंशंस। देखिए, नोबल का मतलब होता है अच्छा, खानदानी, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, जो बहुत अच्छी हो देखने और सुनने में। और इंटेंशंस का मतलब होता है इरादे या नीयत। कह रहा है इरादे और नीयत जो है नोबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, खानदानी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब किसके इरादे अच्छे होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, ये इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। उससे पहले इस नोबल नाम के वर्ड पे नज़र डालते हैं। देखो, इस वर्ड में कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों को, क्योंकि इस वर्ड से मिलते जुलते दो वर्ड्स और भी हैं। पहला वर्ड है नोबल, जो ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड है नोबेल। इसमें देख लो BLE है और इसमें क्या है, BEL, है ना, नोबल और नोबेल। तीसरा वर्ड है नोवल, नोवल। देखो, नोवल तो आप समझ गए, खानदानी हो, समथिंग ऑफ ए गुड करेक्टर, जिसका करेक्टर अच्छा हो, है ना, देखने सुनने में कोई चीज़ अच्छी हो तो वो नोबल कहलाती है। नोबेल होता है नोबेल प्राइस, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के बाद से दिया जाने लगा है, शायद 1904 या 5 से। ये अलग प्राइस है ना, ये फिजिक्स में, साइंस में दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, ये नोबेल प्राइस है। इसकी BEL वाली स्पेलिंग याद रखें। और तीसरा होता है नोवल। नोवल का मतलब होता है समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। अगर आपने कोई ख्याल, कोई आइडिया, कोई चीज़ सबके सामने रखी है जो बिल्कुल हटके है ना, न्यू एंड ओरिजिनल है, देन इट बिकम्स अ नोवेल आइडिया, और नोवेल जो भी चीज़ है वो नोवेल हो जाती है। नोवेल को हम बुक्स भी बोलते हैं, है ना, किताबें भी तो आती हैं नोवेल, वो भी बुक्स होती हैं, वो नोवेल कहलाती हैं। तो इस तरह से 3 वर्ड्स अलग अलग मीनिंग रखते हैं। अब इन तीनों पे अपने देखेंगे, इन 3 क्वेश्चंस को कैसे सही वर्ड को हमें सही क्वेश्चन में यूज़ करना है, सेंटेंस में। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द नोवेल नोबेल या नोबल कोरोना वायरस हैज स्प्रेड एवरीवेयर। करेक्ट, कोरोना वायरस हर तरफ फैल चुका है। और किस प्रकार का कोरोना वायरस, नोवल नोबेल या नोबल। देखो, नोवल होता खानदानी हो जाएगा, खानदानी कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है। अब देखो, कोरोना वायरस तो खानदानी हो नहीं सकता, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस वर्ड को लगाने का यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है। और नोबेल प्राइज़ की बात भी हम नहीं कर रहे हैं, तो नोबेल भी नहीं रख सकते हो आप। बच्चा आपके पास नोवल, नोवल का मतलब है समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। नया वाला कोरोना वायरस हर तरफ फैल चुका है। हर साल हमने बहुत सारे कोरोना वायरस देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 2019 वाले वुहान से निकलने वाले वायरस की, तो वो है नोवल कोरोना वायरस। समझ गए ना, नया, समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। फिर देखो, द नोबेल नोबेल या नोबेल फॉर फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू अ जर्मन फिजिसिस्ट। जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के लिए, वो अवॉर्ड किया गया था, दिया गया था एक जर्मनी के फिजिसिस्ट को। सीधे सीधे नोबेल प्राइज की बात हो रही है, द नोबेल, द नोबेल, तो हम यहाँ पे द नोबेल को यूज़ करेंगे। लास्ट देख लो, मदर टेरेसा इज रिमेंबर्ड फॉर हर नोबेल नोबेल या नोबल डीड्स। मदर टेरेसा जानी जाती हैं अपनी डीड्स के लिए, अपने कर्मों के लिए, कामों के लिए, जो इस प्रकार के हैं, इस टाइप के हैं। अब बताओ, मदर टेरेसा के काम कैसे होंगे, नोबल होंगे, खानदानी होंगे, अच्छे होंगे, नोबेल प्राइज वाले होंगे, या फिर नए या हटके होंगे, ओरिजिनल होंगे। देखो, वैसे तो नोबल भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे नोबल डीड्स को अच्छे से चूज़ करेंगे, मतलब इसको प्रिफर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, है ना, बहुत सारे काम किए। तो वो सारे काम जो अच्छे करेक्टर के थे, लोगों की भलाई के लिए थे, देखने सुनने में अच्छे थे, खानदानी थे, तो नोबल डीड्स वह यहाँ पे अच्छा आपको मिलेगा। नोबल डीड्स एक फ्रेज ही बनता है अपने आप में। नोबल डीड्स का मतलब भी होता है अच्छे कर्म, है ना। मदर टेरेसा जानी जाती है अपने अच्छे कर्मों के लिए। बस यही डिफरेंस है इन तीनों वर्ड्स के बीच का। आज के क्विज में भी इस डिफरेंस को आप देखोगे। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ, क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले, राइटिंग स्किल्स का कोर्स ऐप पे अवेलेबल है, क्लासेस आ रही हैं,
हिंदुस्तान में आपको एक भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो बिल्कुल बेसिक से आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखाता हो। और मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स राइटिंग के क्या होते हैं। यूपीएससी, बैंक्स, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिपोर्ट्स, ऐसे समरी, प्रेसी, है ना, कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलता है 699 में। आप कूपन कोड लगा लेना Lucky100, ये मिल जाएगा आपको 100 रुपये के डिस्काउंट के साथ। ये वाला कोड अब बंद हो चुका है ना, तो इसलिए नया कोड लगाएं Lucky100। ये कोर्स आपको मिलेगा अपनी एप्लीकेशन पे, एंड्रॉयड पे, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी मैं डाल रहा हूँ। इस तरह का लोगो है ना, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करो ऐप में, स्टोर टैब में जाओगे और जो कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स को आप यहाँ से स्टोर टैब से एक्सेस कर सकते हो। राइटिंग स्किल्स और एसएससी, बैंक्स, सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। कोई भी आपकी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा ना इस नंबर पर। चलिए, कह रहे, द यूएन मस्ट इंश्योर दैट द तालिबान अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड गिव अप टेरर टैक्टिक्स। कह रहे, जो यूनाइटेड नेशंस है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको इंश्योर करना ही चाहिए, उसको इस चीज़ को पक्का करना ही चाहिए। दैट वो ये कि तालिबान वाले जो हैं, द तालिबान, वो अपहोल्ड करते हैं, बनाए रखते हैं, मेंटेन करते हैं ह्यूमन राइट्स को, और वही लोग जो हैं गिव अप भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं टेरर की टैक्टिक्स को, दहशतगर्दी की, आतंकवाद के दाम पे चुक को। तो यही काम यूएन को करना है, द यूएन मस्ट इंश्योर। समझ गए, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। यूएन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट इंश्योर उसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन के बाद में द तालिबान आपका सब्जेक्ट नंबर दो है, और इसकी दो दो वर्ब्स हैं, अपहोल्ड और गिव अप, दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं एंड नाम की कंजंक्शन से। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को जारी रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। टैक्टिक्स का मतलब होता है दांव पेच, दांव पेच को मैन्यूवर भी बोलते हैं। अब ये वर्ड बड़ा अजीब सा है, इसकी स्पेलिंग आप देख रहे हो ना, बहुत अजीब स्पेलिंग है, मैनो ई यूवर, मैं ऐसे याद करके बैठा हूँ इसको, मैनो ई यूवर। इसको आप ओ निकाल करके भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में वी आर ई नहीं, फिर वी ई आर आपको लगाना है। राइट वाली मिलेगी अमेरिकन स्पेलिंग, लेफ्ट वाला मिलेगा आपको ब्रिटिश वर्जन, तो हमें तो इसी को यूज़ करना होता है, ब्रिटिश वर्जन को। तो ध्यान रखें, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है इस टाइप की। इसमें गलती ये होती है, लास्ट में वी ई आर लिख देते हैं, वी ई आर, जो कि गलत है, समझ रहे हो ना, ब्रिटिश स्पेलिंग में लास्ट में आता है वी आर ई। चलिए, याद करना है इसको, आज के आपको स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में ये वाली स्पेलिंग मिलेगी। अब एक काम करेंगे, सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो, अपने पास तीन ही वर्ड्स हैं, नहीं है ना, एडवांस वोकैब के तीन ही वर्ड्स हैं इस आर्टिकल में। पहला वर्ड है एनकम्पस, दूसरा है लेवरेज, तीसरा है कॉन्सिक्वेंशियल। एनकम्पस वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल ही। कंपस की तरह किसी को अपने दायरे में लेना, कंपस होता है आपका प्रकार, आपका कंपस जिससे आप गोला बनाते हो, एक सर्कल को ड्रॉ करते हो, है ना, एनकम्पस। टू इंक्लूड इन स्कोप, जैसे सेंटेंस बनाया था, हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी जो नौकरी है सेक्रेटरी के तौर पे अपने दायरे में लेती है बहुत ही बड़ी रेंज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बहुत सारे काम उसको एज अ सेक्रेटरी करने पड़ते हैं, तो इसको हम एनकैप्सुलेट, कवर या इंक्लूड भी बोलते हैं। एनकम्पेसिंग ये होती है एडजेक्टिव फॉर्म, अपने दायरे में कोई लेने वाली चीज़ होगी एनकम्पेसिंग कहलाएगी। इसी का सिनोनिम है इंक्लूसिव, जिसको आप आज इस आर्टिकल में देखोगे, समझ गए ना, एनकम्पेसिंग दायरे में लेने वाला, इंक्लूसिव एक ही बात है। चलो भाई, अगला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस, किसी मौके पे किसी बात के अंदर आपके पास कोई एडवांटेज हो वो आपकी लेवरेज कहलाएगी। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन जो हैं वो फंड करते हैं, पैसा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को पाने के लिए सियासी लेवरेज को, सियासी एडवांटेज को। तो उनको ये लगता है ये पार्टी अभी सत्ता में बैठी है, इसको पैसे दे दो ताकि हमारे काम आसानी से हो जाए, हमें पॉलिटिकल लेवरेज मिल जाए, समझ गए ना, लेवरेज मतलब एडवांटेज। इसको अथॉरिटी भी बोलते हैं। लास्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्सिक्वेंशियल। हर वो चीज़ कॉन्सिक्वेंशियल है जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हों, जो चीज़ आज से 5 साल 10 साल बाद जाकर के कुछ कॉन्सिक्वेंस दिखाए, कुछ आपको अपना जो है ना नतीजा दिखाए, वो कॉन्सिक्वेंशियल कहलाएगी। इसीलिए इसको हम फार रीचिंग या मीनिंगफुल भी बोलते हैं, है ना। फार रीचिंग भी वही होता है जो आगे तक रीच करे, बहुत आगे तक अपने प्रभाव को दिखाए। द कंपनी हैड टू सफर अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिशन। बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन की वजह से कंपनी को सफ़र करना पड़ा था एक ऐसा लॉस ऑफ रेवेन्यू, एक ऐसा नुकसान आवक का, इनकम का, रेवेन्यू का, जो बड़ा ही कॉन्सिक्वेंशियल साबित हुआ, जो कंपनी के लिए फार रीचिंग था, समझ गए ना। ये छोटा मोटा नहीं था, कॉन्सिक्वेंशियल था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था कंपनी के लिए। चलिए, कॉन्सिक्वेंशियल बनाए, कॉन्सिक्वेंस नाम के नाउन से, कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही होता है नतीजा, किसी चीज़ का आउटकम। तो बस तीन ही वर्ड्स हैं आज अच्छे अच्छे अपने पास, शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को।
चलिए समरी टाइम, एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि अगस्त के महीने में इंडिया प्रेसिडेंट था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा महासभा का, एक महीने के लिए था। अभी से एक महीने में इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया, रेजोल्यूशन यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 को पास करवाया। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये बहुत ही अच्छा काम है। इस रेजोल्यूशन का मतलब है अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस सभी देशों के सहयोग से तालिबान को प्रेशराइज करेगा कि वो शांति को स्थापित करें और वहाँ के लोगों को मारना जो है मारना घसीटना बंद करें, टेरर एक्टिविटीज़ को लगाम डालें, समझ गए, इस रेजोल्यूशन का मतलब है ये। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अब इंडिया ने अपना काम कर दिया है, आगे का काम है सारी परमानेंट फाइव नेशंस का जो यूएनएससी की हमेशा पार्ट रहती हैं, रशिया है, चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इनको देखना है नोबल इंटेंशंस के साथ में, अच्छे इरादों के साथ में कि कैसे अफगानिस्तान में पीस कायम हो। दो नेशंस इनमें से थोड़ी सी बदमाश भी हैं, चाइना और रशिया, जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अगर इरादे अच्छे होंगे ना तभी ये रेजोल्यूशन आगे बढ़ पाएगा, हमारे आर्टिकल का ये कहना है। समझ के बस आज की यही समरी है, क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है। आज की टोन है, एक तो देखो एडवाइस कर रहा है क्या होना चाहिए, यूएन को क्या करना चाहिए, और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक भी हो रहा है कि यूएन इस काम को कर ही पाएगा, ऐसा ऑप्टिमिज्म भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक टोन भी बोलेंगे। शुरू कर लें आर्टिकल को, चलो। कह रहा है एज इंडिया एंडेड इट्स मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दिस वीक, द गवर्नमेंट क्लेम्ड अ विक्ट्री ऑफ सॉर्ट्स फॉर चेयरिंग अ सेशन That resulted in the adoption of UNSC Resolution 2593, condemning terrorism and urging the Taliban to ensure human rights in Afghanistan. कह रहे जैसे ही इंडिया ने एंड किया, ख़त्म किया, ये पूरा बैकग्राउंड बता रहा है हुआ क्या है ना, बैक स्टोरी क्या है। कह रहे जैसे ही इंडिया ने एंड किया, ख़त्म किया इसकी एक महीने लंबी प्रेसिडेंसी को, और किसकी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा महासभा की। और कब हुआ ये काम, दिस वीक, इसी हफ्ते। कह रहे जैसे ही इंडिया ने इस हफ्ते इस काम को किया, हुआ क्या, कह रहे सरकार ने क्लेम कर दिया, दावा ठोक दिया एक विक्ट्री पे ऑफ सॉर्ट्स, विक्ट्री ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कुछ इसी तरह की विक्ट्री है ना, ऑफ सॉर्ट्स विक्ट्री, तो सरकार ने क्लेम कर दिया कुछ इसी तरह की एक विक्ट्री का, और किस लिए, चेयर करने के लिए एक सेशन को, प्रेसिडेंट बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए एक सेशन का, और वो वाला सेशन जो रिजल्ट हुआ था अडॉप्शन में इस वाले रेजोल्यूशन के 2593 के। अब देखो सरकार ने इस काम को कैसे किया, सरकार ने इस काम को किया कंडेम करते हुए टेररिज्म को, और अर्ज करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए तालिबान को कि वो इंश्योर करे ह्यूमन राइट्स को अफगानिस्तान के अंदर। समझो सेंटेंस, एक बार रिपीट करूँगा, बहुत सिंपल सेंटेंस है। जैसे ही इंडिया का एक महीने का प्रेसिडेंसी ख़त्म हुआ इस हफ्ते, हमारी इंडियन सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दावा ठोका एक प्रकार की एक विक्ट्री का, विक्ट्री ऑफ सोर्स का, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, और किस लिए, चेयर करने के लिए एक ऐसे सेशन को, जिस सेशन का नतीजा ये निकला जो है अडॉप्शन इस रेजोल्यूशन का, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेने का काम है ना, और ये काम इंडिया ने ऐसे किया है क्लेम करने का, कंडेम करते हुए टेररिज्म को, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज है ना, क्रिटिसाइज करते हुए टेररिज्म को, और अर्ज करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए तालिबान को कि वो इंश्योर करें ह्यूमन राइट्स को अफगानिस्तान के अंदर। तो ऐसे बना है सेंटेंस, इंडिया की वर्ब है एंडेड, गवर्नमेंट की वर्ब है क्लेम्ड। जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लेम किया उसी वक्त गवर्नमेंट कंडेम भी कर रही थी टेररिज्म को और अर्ज भी कर रही थी तालिबान को, समझ गए ना, दोनों तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, पहला काम मेन वर्ब है और बाकी दोनों काम वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, दावा ठोकते हुए, क्लेम करते हुए सरकार टेररिज्म को कंडेम कर रही थी और तालिबान से रिक्वेस्ट कर रही थी, है ना, दैट की वर्ब रिजल्टेड सेशन के लिए आया। अब इस ऑफ सोर्स नाम के फ्रेज को देख लें, ऑफ सोर्स का मतलब होता है कुछ इस तरह का ही। टॉम वॉज ए डॉक्टर ऑफ सॉर्ट्स, टॉम एक डॉक्टर के जैसा कुछ था। अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर था या नहीं, पर उससे दवा पूछो तो वो दवा बता देता है, उससे कुछ बीमारी पूछो तो वो बीमारी का भी बता देता है। तो टॉम वॉज ए डॉक्टर ऑफ सॉर्ट्स, डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर के जैसा ही कुछ था, है ना, डॉक्टर का स्टूडेंट था, डॉक्टरी का वैद्य था, कोई इस तरह का आदमी था वो। इट वॉज ए मील ऑफ सॉर्ट्स बट नोबडी एंजॉयड इट, ये एक तरह का खाना ही था लेकिन किसी को भी मज़ा नहीं आया। मान लो आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे आपको आधा अधूरा सा खाना मिला है, जो खाना कहला भी सकता है और ना भी कहला सकता है, तो एक मील ऑफ सॉर्ट्स थी, कहने को मिल थी और उसी तरह की कोई चीज़ थी, है ना, बट किसी को भी मज़ा नहीं आया, नोबडी एंजॉयड इट। तो ऑफ सॉर्ट्स किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी पे सवाल खड़े करता है ना, डॉक्टर ऑफ सॉर्ट्स मतलब डॉक्टर के जैसा ही कुछ, मील ऑफ सॉर्ट्स मतलब खाने के जैसा ही कुछ, विक्ट्री ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है इंडिया ने विक्ट्री के जैसा ही कुछ जो है क्लेम किया, समझ गए, ऑफ सॉर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय द यूएस द यूके एंड फ्रांस एड्रेस्ड की इंडियन कंसर्न्स कॉलिंग फॉर द तालिबान टू एंश्योर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ अफगान्स विशिंग टू लीव
एंड नॉट अलाउिंग अफगान सोइल टू बी यूज फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अब बता रहे हैं सरकार ने जो दावा ठोका उसमें बोला क्या एक्चुअल में, कह रहा है गवर्नमेंट ऐसा कह चुकी है, हैज सेड, और ये कह चुकी है कि जो रिजोल्यूशन है जो जिसका नंबर है 2593, कह रहा है जो स्पॉन्सर्ड बाय है यूएस, यूके और फ्रांस के द्वारा, जिसको चाइना और रशिया स्पॉन्सर भी नहीं करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। कह रहा है सरकार कह चुकी है कि ये रिजोल्यूशन इन तीनों कंट्रीज से जिसको सपोर्ट मिला है, ये रिजोल्यूशन एड्रेस करता है कि इंडियन कंसर्न्स को, इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न्स को, चिंताओं को। अब देखो सरकार ने ऐसा कब कहा है, किस तरह से कहा है, ये कहा है कॉल फॉर करते हुए, डिमांड करते हुए तालिबान से, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, तालिबान से कॉल फॉर करते हुए कि वो इंश्योर करें, पक्का करें एक सेफ इवैक्यूएशन को, सेफ तरीके से बाहर निकलने को उन अफगानियों के जो विश करते हैं लीव करना, जिनकी इच्छा है अफगान को छोड़ना, अफगानिस्तान को लीव करना, और ना अलाउ करें जो है ये तालिबानी अफगान की मिट्टी को यूज़ किए जाने में, इस्तेमाल होने में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, दहशतगर्द जो है कामों के लिए, समझ गए ना। तो सरकार ने ऐसा बोला है कि रिजोल्यूशन जो है, इस तरह का रिजोल्यूशन जो है, इसने इंडिया के कंसर्न्स को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। लेकिन जब ये सरकार ऐसा कह रही थी उसी वक्त ये कॉल फॉर भी कर रही थी तालिबान से कि आप जो इवैक्यूएशन करवाओ अफगानियों का जिनको बाहर निकलना है, और अपनी मिट्टी पे आप आईएसआई अलकायदा को पनपने नहीं दोगे, आप इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं होने दोगे। गवर्नमेंट की वबा है सेट, रेजोल्यूशन की वबा एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, है ना, किसी से कोई मांग करना, इवैक्यूएशन का मतलब होता है विड्रॉल या डिपार्चर, कहीं से किसी को बाहर निकालना, इवैक्यूएट करना, है ना, किसी को बाहर निकालने को बोलते हैं इवैक्यूएशन। अब आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा मैं, यहाँ पर टू भी यूज क्यों लिखा है, अफगान सोइल टू यूज भी तो आ सकता था, अफगान सोइल टू भी यूज क्यों लिखा गया है, थोड़ा सोच के बताओ फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट है एक्टिव और पैसिव इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव दो टाइप के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव इन्फिनिटिव तब यूज़ करें जब जिस सब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटिव आया है वही इन्फिनिटिव के एक्शन को कर रहा है, और अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है तब आप पैसिव इन्फिनिटिव को यूज़ करें। टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव में टू प्लस में बेस फॉर्म। यूज़ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको मैं। वी हैव डिसाइडेड टू सेल या टू बी सोल्ड दिस हाउस, हमने डिसाइड कर लिया है इस हाउस को सेल करना, इस हाउस को बेचना। आपको चूज करना है एक्टिव यूज़ करूँ टू सेल या पैसिव यूज़ करूँ टू बी प्लस में वी थ्री सोल्ड। देखो ये कैसे होगा, डिसाइड किसने किया, हमने किया, हम ही डिसाइड करने वाले हैं और हम ही बेचने वाले हैं। जो काम करने वाला है वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही इस इन्फिनिटिव के एक्शन का डूअर है। अगर हम डूअर हैं तो आप एक्टिव इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे, डूअर के लिए पैसिव नहीं आता। इन्फिनिटिव हमारे लिए आया है ना, हम तो डूअर हैं सेल करने के, बेचने का काम तो हम ही करेंगे, एक्शन के डूअर हैं, तो आप एक्टिव इन्फिनिटिव को बिंदास यूज़ करें। वी हैव डिसाइडेड टू सेल दिस हाउस, या देखो द मशीनरी हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेल या टू बी सोल्ड, मशीनरी डिसाइड हो गई है कि वो बेची जाएगी। सब्जेक्ट कौन है, मशीनरी। वर्ब कौन है, हैज़ बीन डिसाइडेड। ये सेल नाम का इन्फिनिटिव इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मशीनरी किसी को नहीं बेचेगी, मशीनरी खुद बिकेगी, मशीनरी को सेल किया जाएगा। मशीनरी एक्शन का रिसीवर है, डूअर नहीं है। इस केस में यूज करेंगे पैसिव इन्फिनिटिव को, तो टू सेल नहीं, टू बी सॉल्ट। बस एक्टिव और पैसिव को ऐसे आपको यूज करना होता है इन्फिनिटिव फॉर्म में। बस यहां पे भी तो वही हुआ है, अफगानिस्तान की मिट्टी को इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा, मिट्टी किसी को इस्तेमाल नहीं करेगी, इंश्योर ये करना है कि मिट्टी को इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा, मिट्टी के ऊपर काम हो रहा है तो टू बी सॉल्ट, ना कि टू सेल, टू बी यूज, है ना। चलो कह रहे द पैसेज ऑफ द रिजोल्यूशन वॉज टाइमली, प्रैक्टिकली कोइंसाइडिंग विद द एग्जिट ऑफ द लास्ट यूएस ट्रूप्स फ्रॉम काबुल एंड द तालिबान्स डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। अब बता रहा है इसकी टाइमिंग क्या है, ये रिजोल्यूशन किस टाइम पे आया। कह रहे जो पैसेज है, जो रास्ता है, जो वे है इस रिजोल्यूशन का, ऑफ द रिजोल्यूशन, वो बड़ा टाइमली था, बड़े ही वक्त पे इस रिजोल्यूशन ने अपना रास्ता बनाया। कह रहे प्रैक्टिकली कोइंसाइड करते हुए, उसी वक्त होते हुए, और किसके साथ, एग्जिट के साथ अमेरिका की लास्ट ट्रूप्स का काबुल से, और तालिबान के डिक्लेरेशन से, तालिबान के ऐलान से जो है कंप्लीट विक्ट्री का। तो यहाँ से तालिबान जो है विक्ट्री का, विक्ट्री मार्च कर रहा है ना, अपनी जीत को बता रहा है। यहाँ से अमेरिकन भाग रहे हैं अपनी ट्रूप्स को लेकर के, और उसी वक्त पे प्रैक्टिकली हमने सही वक्त पे मौके पे चौका मारा इस रिजोल्यूशन को ला करके, टाइमिंग बॉस जो है करेक्ट, समझे। पैसेज की वर्ब है वर्ब वॉज, पैसेज का मतलब होता है रास्ता, ट्रांजिशन, वे, है ना, किसी चीज़ का जो है, समझ गए ना, रास्ता। कोइंसाइड का मतलब होता है किसी के वक्त पे होना एक ही साथ, है ना, दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो वो कोइंसाइड करती हैं, इसको कनकर होना भी बोलते हैं, जब दो चीज़ें एक ही वक्त पे साइमल्टेनियसली हो रही हों। चलिए और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। ट्रूप्स एक वन वर्ड है, बहुत सारी ट्रूप्स मतलब बहुत सारे फौजी,
ट्रूप्स हमेशा प्लूरल में यूज होगा, इसका मतलब होता है फौजियों का समूह। कह रहा है इट ऑल्सो फॉलोड ऑन थ्री डिस्कशंस हेल्ड अंडर इंडिया चेयरमैनशिप दैट हैव सेट आउट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द न्यू रिजीम इन अफगानिस्तान। कह रहा है ये जो रेजोल्यूशन है इट, जिसकी हमने ऊपर बात की है, ये फॉलो ऑन करता है, ये पीछे पीछे आता है, और किसके, तीन डिस्कशंस के, तीन बातचीतों के जो रखी गई हैं इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर, अंडर द इंडिया चेयरमैनशिप। तो तीन बातचीतों के बाद इस रेजोल्यूशन को हमने आखिरकार जो इंट्रोड्यूस किया है, इट फॉलोज ऑन थ्री डिस्कशंस। अब ये वो इंडिया की डिस्कशंस हैं दैट हैव सेट आउट, जिन्होंने सेट आउट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, कमेंस कर दिया है उन एक्सपेक्टेशंस को, उन आशाओं को जो है फ्रॉम द न्यू रिजीम, नए रिजीम से, नए प्रशासन से अफगानिस्तान में, इस कंट्री के अंदर। तो पहले तीन डिस्कशंस, फिर ये रेजोल्यूशन, और इन डिस्कशन से हमें एक्सपेक्टेशन यही मिली कि तालिबान जो है बहुत सारा अच्छा काम करेगा अफगानिस्तान के अंदर। रिजीम का मतलब होता है प्रशासन। अब आ जाओ सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट बना आपका इट, वर्ब बनी फॉलो ऑन, डिस्कशंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, वर्ब बनी हैव सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट करना, कमेंट्स करना किसी चीज़ को, सेट इन का मतलब भी होता है स्टार्ट, सेट आउट का मतलब भी होता है स्टार्ट, सेट इन का मतलब होता है किसी अनप्लेजेंट चीज़ की शुरुआत होना, ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी ना लगे। द इन्फेक्शन हैज सेट इन हर बॉडी, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो चुका है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सेट इन का मतलब होता है कोई गलत चीज़ की शुरुआत होना, अनप्लेजेंट चीज़ की, और सेट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की जनरल, इन जनरल शुरुआत होना। तो कोई एक्सपेक्टेशन बताएगा आगे, कह रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग राइट्स टू पुश फॉर एन इंक्लूसिव नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड कंडेमिंग ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर इंक्लूडिंग द रिसेंट अटैक ऑन काबुल एयरपोर्ट, प्रिवेंटिंग एनी फ्यूचर अटैक्स एंड कॉम्बैटिंग द प्रेजेंस ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें इसने, सारी आशाओं को बताया, अब ये आशाएं बता रहा है एक एक करके। पहली आशा है इंपॉर्टेंस जो है अपहोल्ड करने की राइट्स को, जो महत्वपूर्णता है बनाए रखने की ह्यूमन राइट्स को। दूसरा है पुश फॉर करने की, डिमांड करने की एक सब चीज, इंक्लूसिव करने वाली, इंक्लूसिव नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट को, इंक्लूसिव मतलब जिसके दायरे में सब कुछ शामिल हो, एनकम्पेसिव हो, और नेगोशिएटेड मतलब जो बातचीत के बाद में आई हो। पॉलिटिकल सेटलमेंट का मतलब है सियासी सोल्यूशन, राजनीतिक सोल्यूशन, समाधान किसके लिए, सरकार के लिए। तो ऐसी आशाएं भी हमें अभी जो है तालिबान से लग गई हैं। उसके बाद में कंडेम करने का काम है सभी एक्ट ऑफ टेरर का, जिसमें शामिल है रीसेंट अटैक भी है जो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ है। तो तालिबान हर एक्ट ऑफ टेरर को जो है तालिबान भी बोले कि गलत है, वो भी कंडेम करना शुरू करे, ऐसी आशा भी, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी हमें उससे हो गई है। और फिर है प्रिवेंट करने का कोई भी फ्यूचर अटैक को, आगे कोई अटैक होना, और कॉम्बैट करने का प्रेजेंस को यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ की, ऐसी डेजिग्नेटेड एंटिटीज़, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो यूएन ने आतंकवादी घोषित किए हुए हैं, जैसे अलकायदा है, जैसे तरीके तालिबान है, और जैसे कि आइसिस है। तो ये सारी आशाएं, सारी एक्सपेक्टेशन हमसे इस लिस्ट को बताया इसने कॉलम लगा करके, ये सारी की सारी आशाएं तालिबान से हमने लगा ली है। सिंपल सेंटेंस है, रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, वर्ड्स देख लेना। कॉम्बैट करना मतलब लड़ना, कंडेम करना मतलब क्रिटिसाइज करना, अपहोल्ड करना मतलब मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, जारी रखना, इंक्लूसिव मतलब जो अपने दायरे में लेता हो, एनकम्बेंसिंग हो, जो एनकैप्सुलेटिंग हो। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है हाउएवर द रिजोल्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज दैट वुड गिव द यूएनएससी स्टेटेड इंटेंशंस एनी रियल टीथ एंड अपीयर्स टू एक्सेप्ट द तालिबान रिजीम एज द डिफॉल्ट फोर्स इन अफगानिस्तान। अब बता रहा है इस रेजोल्यूशन में जो इंडिया लेकर के आए कमी भी है। कह रहा है हालांकि ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये कंटेन नहीं करता था, नहीं रखता था अपने अंदर कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल लैंग्वेज को, ऐसी लैंग्वेज जिसके बहुत परिणाम हो, इन्फ्लुएंशियल हो, फार रीचिंग हो, है ना, जो महत्वपूर्ण हो। तो ऐसी भाषा इस रेजोल्यूशन में नहीं लिखी है। कह रहा है वो भाषा जो दे देगी यूएनएससी के इन स्टेटेड इंटेंशन को, इन बताए हुए इरादों को, स्टेटेड मतलब जिनको स्टेट किया गया, बताया गया, जो यूएनएससी के इन बताए हुए इरादों को कोई रियल टीथ देगी। रियल टीथ का मतलब है रियल पावर्स। तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ इसमें कि यूएनएससी के पास कुछ पावर्स आए, और यही रेजोल्यूशन जो है वो अपीयर भी होता है एक्सेप्ट करता हुआ तालिबान के प्रशासन को डिफॉल्ट फोर्स के तौर पे अफगानिस्तान के अंदर। तो कड़ी भाषा अगर यूज़ करते तो वो और भी अच्छी बात होती, लेकिन कोई भी कड़ी भाषा को हमने, लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया है। और जो ये ऊपर बातें की हैं ना, इसमें यूएन के पास कोई पावर नहीं आ रही है, देखने में लग रहा है कि यूएनएससी करेगा तो बहुत कुछ, लेकिन रियल टीथ, रियल पावर्स इसके पास एनफोर्स करने के लिए नहीं है। और देखने में ये भी लगता है कि इस रेजोल्यूशन के बाद में तालिबान को हमने सरकार मान ही लिया है अफगानिस्तान के अंदर। रेजोल्यूशन की वर्ब होगी अपीयर्स, डिड नॉट कंटेन और अपीयर्स दोनों इसी की वर्ब है, दैट की वर्ब है वुड गिव। कॉन्सिक्वेंशियल आप देख चुके हो, जिसके कॉन्सिक्वेंस हो, फार रीचिंग हो, इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो। रियल टीथ मतलब रियल पावर्स, कंटेन, कंप्राइज और कंसिस्ट,
तीन वर्ब्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है। कंटेन के बाद में ऑफ कभी नहीं आएगा, कंप्राइज के बाद में भी ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑफ आता है। समझ गए ना, तीनों अलग अलग वर्ब्स हैं, एक ही मीनिंग रखती हैं, लेकिन एक ऑफ लेती है, बाकी दोनों ऑफ नहीं लेती है। कल इस कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा, व्हाइल इट इज़ वेरी अर्ली टू कंसीडर मोर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द तालिबान फॉर वॉयलेटिंग देयर कमिटमेंट्स बाय यूजिंग द यूएन चार्टर्स चैप्टर 7 मैंडेट दैट एम्पावर्स द यूएनएससी टू मेंटेन पीस, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट द इंडिया चेयर्ड रेजोल्यूशन डज नॉट कंटेन लैंग्वेज दैट वुड होल्ड द न्यू रिजीम मोर अकाउंटेबल। अब उसी बात को ही आगे बढ़ा रहा है, लैंग्वेज वाली। इंडिया के पास एक मौका था अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करने का, इंडिया के पास पावर्स भी थी। कह रहे जहाँ ये बहुत अर्ली होगा, बहुत शुरुआती होगा, कंसीडर कर लेना और ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शन को, और ज़्यादा पनिशमेंट वाले एक्शन को। और कह रहे किसके खिलाफ? तालिबान के खिलाफ। और क्यों? वॉयलेट करने के लिए उनके कमिटमेंट्स को, वादों को तोड़ने के लिए। और किसके द्वारा? यूएन के चार्टर चैप्टर 7 के मैंडेट के द्वारा। यूएन का एक मैंडेट है चैप्टर 7, जिसके हिसाब से वो कहीं पे भी पीस को स्थापित करने का उसके पास हक है। तो कह रहा है अभी ये बहुत अर्ली हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि हम और पुनिटिव एक्शन जो है और पनिशमेंट तालिबान को दें अगर वो वादा तोड़े हैं, जिन्होंने जो भी उन्होंने कमिटमेंट को वॉयलेट किया है इस चैप्टर 7 के मैंडेट के अंदर। कह रहा है वहीं पर ये जो मैंडेट है वो एम्पावर करता है, ताकत देता है यूएनएससी को मेंटेन करने की, पीस को, शांति को कायम करने की। कह रहे वहीं पे ये चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटिंग भी है, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि इंडिया की जो चेयर रिजोल्यूशन था, वो रिजोल्यूशन जिसको इंडिया अपनी चेयरमैनशिप में लाया, कह रहा उसमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि होल्ड करेगी, बनाएगी नए रिजीम को, नए प्रशासन को और ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा जिम्मेवार। तो कह रहे इस चार्टर में बहुत ताकत है, इस चार्टर के हिसाब से हम तालिबान को और भी ज़्यादा जो है ना प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी होगी, अभी हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन मौका ये था कि जो इंडिया रिजोल्यूशन लाया है उसमें ऐसी लैंग्वेज डाल देता, पर है नहीं उसमें, जो कि होल्ड करती है तालिबान के रिजीम को और ज़्यादा जिम्मेवार, अकाउंटेबल, जो भी वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मौका इंडिया ने छोड़ दिया, समझ गए। इट की वर्ब इज दैट की वर्ब एम्पावर्स, दैट आया चैप्टर 7 मैंडेट के लिए। इट की वर्ब यहाँ पे भी इज, रेजोल्यूशन की वर्ब है डज नॉट कंटेन, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, आप ऊपर देख चुके हो। दैट की वर्ब है वुड होल्ड, दैट आया लैंग्वेज नाम के इस नाउन के लिए, वो लैंग्वेज जो होल्ड करती अफगानिस्तान में तालिबान को और ज़्यादा अकाउंटेबल। ये होल्ड अकाउंटेबल और होल्ड समवन टू अकाउंट दो फ्रेज हैं, दोनों का मतलब होता है किसी को जिम्मेवार ठहराना किसी काम के लिए। द वर्ल्ड शुड होल्ड तालिबान अकाउंट फॉर इट्स वायलेंट अप्रोच टूवर्ड्स अफगान्स, दुनिया को होल्ड करना चाहिए तालिबान को अकाउंट पे, दुनिया को जिम्मेवार ठहराना चाहिए तालिबान को इसके हिंसक या वॉयलेंट अप्रोच के लिए अफगानी लोगों के लिए। देखो गलती क्या होती है, या तो होल्ड तालिबान टू अकाउंट लिख दो तो भी ठीक है, होल्ड समवन टू अकाउंट बिल्कुल ठीक है, तो होल्ड तालिबान टू अकाउंट बिल्कुल ठीक है, और या फिर इस टू को नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पर अकाउंट की जगह अकाउंटेबल लिखो, होल्ड तालिबान अकाउंटेबल, अकाउंटेबल लिख दो या टू अकाउंट लिख दो, लेकिन गलती ये करते हो आप, टू अकाउंटेबल लिखाते हो, होल्ड तालिबान टू अकाउंटेबल, तो ये दोनों मिक्स मत करना, टू अकाउंट और अकाउंटेबल है अलग अलग है, ऐसा मत करना टू अकाउंटेबल, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। बढ़े आगे, चलो होल्ड टू अकाउंट कर दो यहाँ पे। कह रहा है अब बताएगा क्या हुआ, कह रहा है द वॉटर डाउन लैंग्वेज वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर ऑपोजिशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना हु लेटर डिसाइडेड टू अब्सटेन। अब बता रहे इंडिया का रीज़न क्या है कम मजबूत लैंग्वेज को यूज़ करने का। कह रहे जो वॉटर डाउन लैंग्वेज है ना, जो डायल्यूटेड लैंग्वेज है, वीकेंड लैंग्वेज है, कमज़ोर भाषा है, कह रहे वो प्रोबेबली थी, वो वॉज किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ सीवियर क्रिटिसिज्म की वजह से, अपोजिशन की वजह से, बहुत ज़्यादा खिलाफत की वजह से। अपोजिशन का मतलब होता है आपके खिलाफ लोग खड़े हैं, और कहाँ से? रशिया और चाइना से। तो रशिया और चाइना के खिलाफ होने की वजह से इंडिया ने जो है कम जो है ना इंटेंसिफाइड लैंग्वेज को यूज़ किया, वॉटर डाउन लैंग्वेज को यूज़ किया। अब ये रशिया और चाइना वो हैं जिन्होंने लेटर डिसाइड किया कि वो एब्सटेन करेंगे, वो इस जो है वोटिंग के अंदर भाग ही नहीं लेंगे, इस रिजोल्यूशन के वक्त वो एब्सेंट रहेंगे। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना, समझ गए। लैंग्वेज की वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है डिसाइडेड, हु लगा रशिया और चाइना के लिए, हु इसलिए लगा क्योंकि अब जितनी भी कंट्रीज है वो इंसानों की तरह बिहेव कर रही हैं, इंडिया एक अलग इंसान है, रशिया एक अलग इंसान है, अमेरिका एक अलग इंसान है, तो कभी कभी आप प्रसोनीफाई कर देते हो चीज़ों को, तो प्रसोनीफाई करते ही आप हु को यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। रशिया चाइना अब इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं यूएनएससी में, एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, एक आदमी खिलाफ है, तो हमने यहाँ पे
परसोनीफाई करके हु को यूज़ कर लिया। टेक्निकली यहाँ पे विच को यूज़ कर सकते थे आप, करना चाहिए था। एब्सेंट का मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना, इसको रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग भी बोलते हैं, होल्ड बैक करना भी बोल सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ को बिकॉज ऑफ भी बोलते हैं। वाटर डाउन होता है जिसमें पानी मिला हो, दूध में पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, दूध की इंटेंसिटी को कम कर दिया, वीक कर दिया, अब वाटर डाउन कर रहे हो। इंडिया ने भी ऐसा ही किया, कड़ी भाषा में अच्छे से वर्ड्स मिला दिए, भाषा को डाइल्यूट करने की कोशिश की। कह रहे दिस डिवाइड इन द P5 नेशंस विल ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव इफ द UNSC वॉन्ट्स टू रिमेन सीज्ड ऑफ द सिचुएशन एज द रिजोल्यूशन अफर्म्स। कह रहे ये जो डिवाइड है, ये जो खाई है, और किस में? परमानेंट फाइव नेशंस में, रशिया, चाइना, US, फ्रांस और UK में। कह रहे जो खाई सी पट गई है ना इन पांचों नेशंस में, ये ओनली प्रूव होगी, महज प्रूव होगी, क्या होने वाली? काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव है जो आपका काम बिगाड़े, प्रोडक्टिव मतलब जो काम को बनाए, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो आपको काम को बिगाड़े। तो ये महज काम को बिगाड़ने वाली ही प्रूव होगी अगर UNSC चाहती है रिमेन, बने रहना सीज्ड ऑफ कंट्रोल्ड ऑफ सिचुएशन में। अगर UNSC चाहती है कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखें तो ये चीज़ जो है काउंटर प्रोडक्टिव होने वाली है। करे जैसा कि रिजोल्यूशन अफॉर्म भी करता है, जैसा कि रिजोल्यूशन जो है पक्का भी करता है। अफॉर्म का मतलब होता है इंश्योर करना, किसी चीज़ को फॉर्म करना, समझ गए ना। अगर आपस में तुम्हारी लड़ाई है तो तुम ही से UNSC मिलके बनी है, और तुम जो है लड़ाई होते हुए कभी भी अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाओगे सिचुएशन को। डिवाइड की वर्ब है विल ओनली प्रूव, UNSC की वर्ब है वॉन्ट्स, रिजोल्यूशन की वर्ब है अफॉर्म्स। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो आपके खिलाफ हो, जो आपके लिए सही तरीके से काम ना करे, काम को बिगाड़े। सीज्ड ऑफ एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के पजेशन में होना या राइट में होना। ही रिमेन्स सीज्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। वो बना हुआ है सीज्ड ऑफ, अधिकार में बना हुआ है, रिजर्व करता राइट को या पजेशन को अपने पिता की प्रॉपर्टी का। तो अगर UNSC चाहता है कि वो भी बना रहे अधिकार में, राइट में, कंट्रोल में, सिचुएशन के सीज्ड ऑफ रहे, तो उसको ऐसा करना चाहिए, समझ गए ना। तो ऐसे सीज्ड ऑफ नाम के आप फ्रेज को यूज़ करते हैं। सीज का मतलब ही होता है कब्जे में लेना। कर इट इज़ होप्ड दैट द UN सिस्टम एक्नोलेजेस द पावरफुल लेवरेज इट हैज़ इन अफगानिस्तान फ्यूचर एंड एक्चुलाइजेज ऑल मैकेनिज्म्स इन इट्स मैंडेट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। कह रहे ऐसा होप किया जाता है पैसिव वॉइस में, इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है। दैट वो ये कि UN का जो सिस्टम है वो एक्नॉलेज करता है, UN का सिस्टम इस चीज़ को मानता है, एडमिट करता है, और किसको? उस पावरफुल लेवरेज को, उस मजबूत इन्फ्लुएंस को। लेवरेज आप देख चुके हो ना, एडवांटेज एंड इन्फ्लुएंस, उस पावरफुल लेवरेज को जो इसके पास ऑलरेडी है अफगानिस्तान के फ्यूचर में, अफगानिस्तान के भविष्य में। और कह रहे यही सिस्टम जो है, जो एक्नॉलेज करता है ना, यही सिस्टम जो है एक्चुलाइज भी करता है, रियलाइज भी करता है, सच भी बनाता है उन सभी मैकेनिज्म्स को, उन सभी सिस्टम्स को जो इसके मैंडेट में है, जो इसके रूल्स के अंदर है, और किस लिए? मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस को गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। तो कह रहे ऐसी होप हम कर रहे हैं कि UN जो है खुद मान ले कि हमारे पास बहुत लेवरेज है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अफगानिस्तान के अंदर जो है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले, और इसके फ्यूचर में इसके पास लेवरेज जो है उसको एक्चुलाइज भी करे, उसको रियलाइज भी करे अपने मैकेनिज्म को, ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर भी कर सके। ऐसा UN अभी कर नहीं रहा है, बस ऐसी हम उससे आशा कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था ऑप्टिमिस्टिक टोन है, इस होप नाम के वर्ड को देख के आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। इट की वर्ब होगी होप्ड, UN सिस्टम की वर्ब है एक्नॉलेजेस, और दूसरी वर्ब है एक्चुलाइजेस। एक्चुलाइज का मतलब है किसी चीज़ को एक्चुअल बनाना, लेवरेज मतलब आपके एडवांटेज, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। इट की वर्ब हैज। कह रहे हैं मेजर टूल इज द इंडिया चेयर 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी ड्यू टू मीट सून विच नीड्स टू इंश्योर दैट नो डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ द तालिबान एंड देयर एसोसिएट्स आर गिवन रिकोर्स टू फंड्स, आर्म्स और ट्रैवल परमिशन अनलेस दे शो ए कमिटमेंट टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल। कह रहा है एक मेजर टूल इस काम को करने में इस वो होगा इंडिया का चेयर किया हुआ 1988 का तालिबान सैंक्शन कमेटी। तो इंडिया ने 1988 में भी एक कमेटी बनाई थी अपनी चेयरमैनशिप में। कह रहा है वो एक बड़ा टूल होने वाली है, और जो ड्यू टू मीट सून है, जो बड़ी जल्दी मिलना जिसका तय है, बस ड्यू है ना, आज या कल में जो इसकी मीटिंग हो ही जाएगी। अब कह रहा है वो कमेटी जो नीड करती है इस चीज़ को, जरूरत करती है कि वो इंश्योर करे दैट ये कि कोई भी डेजिग्नेटेड लीडर, कोई भी डेजिग्नेटेड लीडर किसका? तालिबान का, और उसका कोई साथी, कोई चला चपेटा, है ना, एसोसिएट। कह रहे कोई भी लीडर और कोई भी चेला चपेटा एसोसिएट वो नहीं दिए जाते हैं। क्या नहीं दिए जाते हैं? रिकोर्स, रास्ता नहीं दिए जाते हैं फंड्स का। रिकोर्स का मतलब होता है वे या पाथ, उनको कोई रास्ता ना मिले फंड्स का या आर्म्स का, हथियारों का, या फिर ट्रैवल परमिशन का कहीं घूमने जाने का। और किस कंडीशन पे? अनलेस, अगर वो ऐसा ना करें,
दे शो ए कमिटमेंट, वो ऐसा कमिटमेंट ना दिखाएं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के लिए। तो ये कमेटी इंडिया ने बना दी है, ये मेजर टूल है यूएन के पास। इस कमेटी की मीटिंग होगी बहुत जल्दी और ये कमेटी इंश्योर भी कर पाएगी किसी भी तालिबानी और उसके एसोसिएट को ना तो पैसे मिले, ना आर्म्स मिले, ना घूमने की परमिशन मिले, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे, अनलेस के बाद में वो कंडीशन लिखी हुई है कि कमिटमेंट दिखाए अपना इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के लिए। समझ गए? टूल की वर्ब है इज, विच की वर्ब है नीड्स, नो डेजिग्नेटेड लीडर एंड नो देयर एसोसिएट, है ना, दोनों की वर्ब होगी आर गिवन पैसिव वॉइस में। रिकोर्स टू मतलब किसी चीज़ की तरफ का रास्ता, किसी चीज़ का वे। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। दे आया तालिबानियों के लिए, इसलिए हम शो नाम की वर्ब को प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं। कर द रिन्यूअल ऑन सेप्टेम्बर 17th ऑफ द यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, मैंडेट इज अनदर लेवर। कह रहे एक और चीज़ है इनके पास, एक और टूल है जो रिन्यूअल है, फिर से नया बनाने का काम है एक्सपायर होने वाली चीज़ का, और वो है सितंबर 17 को यूएन असिस्टेंस मिशन का, यूएन की असिस्टेंस के प्रोग्राम का अफगानिस्तान के मैंडेट में। कह रहा है ये भी अनदर लेवर है, एक और एडवांटेज है। इस प्रोग्राम में तालिबान को बहुत एड मिलती है अफगानिस्तान को, है ना। यूएन का ये जो प्रोग्राम है वो सितंबर 17 को रिन्यू होगा। अगर तालिबान उल्टे सीधे काम करेंगे तो यूएन इसको रिन्यू नहीं करेगा। इसका मतलब है सारा पैसा, सारी एड का ये खो देंगे। तो अब ये भी है ना, इसका फ़ायदा उठा करके तालिबानियों को प्रेशराइज कर सकते हैं। एक दूसरा टूल ये भी बन सकता है, समझ गए ना, लेबर एडवांटेज बन सकता है। कर एज अ कंसर्न नेबर अफगानिस्तान, वन दैट कुड बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय एन अपटिक इन टेररिज्म देयर एंड अ बिलीवर इन द यूएन लेड मल्टीलेटरल ऑर्डर, इंडिया स्टिल हैज अ रोल इन अफगानिस्तान्स फ्यूचर। कह रहे कंसर्न्ड नेबर के तौर पे अफगानिस्तान के, एक चिंतित पड़ोसी के तौर पे, और वो वाला नेबर जो कि ड्रास्टिकली अफेक्टेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा, ड्रास्टिकली मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है एक अपटिक के द्वारा, एक उछाल के द्वारा टेररिज्म में वहाँ पे। और एक बिलीवर भी जो है यूएन के द्वारा जो है लीड करते हुए मल्टीलेटरल ऑर्डर का, बहुआयामी ऑर्डर का, है ना। हम यही बोलते हैं कि यूएन लीड करे, हर कंट्री उसमें शामिल हो, मल्टीलेटरल ऑर्डर जो है पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो। कह रहा है ऐसे एक नेबर के तौर पे जो इस तरह की बातें चाहता है, इस तौर पे इंडिया के पास अभी भी एक रोल है, एक भूमिका है प्ले करने के लिए अफगान फ्यूचर में, अफगानिस्तान के भविष्य में। समझ गए ना, हम इसी तरह के लोग हैं, हम चाहते हैं शांति हो, हर जगह हो, हमारे यहाँ पे टेररिज्म कम हो, अफगानिस्तान में भी कम हो, और दुनिया जो है एकदम ऑर्डर के हिसाब से चले, लड़ाई झगड़े खत्म हो, चीज़ें जो है आसान तरीके से हो सके। समझ गए? इंडिया की वर्ब हैज़ दैट की ओबे कुड बी ड्रास्टिकली, नेबर के लिए आया, नेबर अफगानिस्तान के लिए, डैट कुड बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड, पैसिव वॉइस में। अपटिक का मतलब होता है उछाल, स्मॉल इंक्रीज। मल्टीलेटरल मतलब कई आयाम वाला, कई आस्पेक्टों जिस चीज़ के। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, बायलेटरल मतलब दो तरफा, मल्टीलेटरल मतलब कई तरफा, है ना। चलिए, कह रहा वाइल इट हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन टॉक्स विद तालिबान इन दोहा, इट मस्ट कंटिन्यू टू प्ले दैट रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज। कह रहे जहाँ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि एम्बार्क ऑन करेगा, शुरू करेगा, एम्बार्क ऑन होता है मतलब किसी एक सफ़र की शुरुआत करना। तो कह रहे जहाँ इट इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो शुरू करेगा टॉक्स को, बातचीत के सफर की शुरुआत करेगा तालिबान के साथ, द तालिबान के साथ दोहा में, वहीं पर कंटिन्यू करना चाहिए इंडिया को, मस्ट कंटिन्यू प्ले करना उस रोल को वर्ल्ड स्टेज पर, पूरे इंटरनेशनल फोरम पर, है ना। तो इस रोल को भी इंडिया को निभाना है, तालिबान से बात करना शुरू किया है, उस काम को भी आगे बढ़ाना है। इट की ओबा हैज डिसाइडेड एम्बार्क ऑन मतलब एक जर्नी की शुरुआत करना, एक सफ़र की जो है ना कमेंसमेंट करना, एम्बार्क ऑन टॉक्स मतलब बातचीत का सफर शुरू हो रहा है। इट की ओबा मस्ट कंटिन्यू। लास्ट वाला मैंने थोड़ा फास्ट प्रोसेस किया लेकिन बहुत ईजी था, अगर इस पर भी आप टाइम लगाओगे तो पेपर में ईजी क्वेश्चन पर टाइम सेव नहीं कर पाओगे, है ना। फास्ट प्रोसेस करने की कोशिश किया करो। ये आपका क्विज है आज का। मैन्यूवर की स्पेलिंग आपको मैंने बता दी है, सही वाली आपको चूज़ करनी है, है ना, गलत वाले मिस स्पेल्ड वर्ड को चूज़ करना है आपको। ये क्लोज टेस्ट है आपको, नोबेल नोबेल में क्या फ़र्क होता है यहाँ बताओगे। अच्छा, यहाँ पे पैसिव इन्फिनिटिव, एक्टिव इन्फिनिटिव क्या लगाओगे थर्ड में, और सेट आउट सेट इन में क्या फ़र्क होता है, कॉल आउट और सेटअप में क्या फ़र्क होता है, ये आपको मैंने 3-4 फ्रेजल वर्ब्स बताई थी, 4 नंबर में पड़ेंगी, है ना। जो आपको लगे सबसे अच्छी है वही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपके पास कि इनमें से कौन सा आप बोलोगे करेक्ट बात है यूएनएससी के 2593 रिजोल्यूशन के हिसाब से। इस रिजोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो कौन सी बात आपको इन तीनों में से करेक्ट लगती है, मैं आपको चलो एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। देखो, इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय यूएस, यूके एंड फ्रांस। गलत बात है। इस मीटिंग में ये चेयर, मीटिंग की चेयरमैनशिप जो है वो की गई है इंडिया के द्वारा। यूएस, यूके और फ्रांस तो इसको सपोर्ट करते हैं, चेयर्ड बाय नहीं है, चेयर्ड बाय इंडिया है। तो फर्स्ट वाला हो गया फॉल्स। इट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय यूएसएसआर एंड चाइना। गलत है। यूएसएसआर और चाइना जो है इसको अपोज करते हैं। यूएसएसआर और चाइना, यूएसएसआर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे रशिया लिखना चाहिए,
रशिया जो है और चाइना जो है इसको अपोज करते हैं, तो ये भी बात गलत होगी। इट हैपन्स टू कोइंसाइड विद द विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान सोइल, बिल्कुल ठीक है, ये उसी वक्त पे आया है कोइंसाइड करते हुए विड्रॉल के साथ में अमेरिकन ट्रूप्स के अफगान सोइल से। तो तीसरा वाला तो बिल्कुल ठीक बात है, ये रिजोल्यूशन और अमेरिका का बाहर निकलना एक ही वक्त पे हुआ, कोइंसाइड होना इनका हुआ, लेकिन ये दोनों बातें मैंने गलत लिखी थी, ये फॉल्स वाली जो है ना गलत चीज़ें, सी आपका आंसर है। चलिए अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ 5। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच करो मेरे आंसर से अपने आंसर्स को। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें वीडियो को। राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर आप मैसेज डालो, व्हाट्सअप करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।